हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हुमायूं मासूम स्वागत करती हूँ अपने महिमा ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तो दो दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाली, शॉर्ट डाल दी थी, वो भी मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो कभी खुशी का डाल रही और कभी गम का। तो दोस्तों, वो आपका वीडियो नहीं है, मैं वीडियो बना कर प्राइवेट करके रखी थी। ऐसे ही करती हूँ दोस्तों, डेली मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। जिस दिन मन सही रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है, उस दिन 8-10 वीडियो बना लेती हूँ। मन में आता है तो 1-2 वीडियो ऐसे पोस्ट करती रहती हूँ। तो दोस्तों, आज एक बात आप लोग से पूछना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ। दोस्तों, एक बात बहुत ज़्यादा दिल में चुभती है और आप लोग से बताना चाहती हूँ, और आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती, एक बीवी अपने पति के लिए क्या नहीं करती, एक बहू अपने परिवार के लिए क्या नहीं करती, और एक बेटी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए क्या नहीं करती। दोस्तों, एक चीज बहुत तकलीफ देती है। दोस्तों, जिस बेटी को हम जन्म दिए ना, वही मुझे पराये जैसे ट्रीट करवाती है। बहुत तकलीफ होती है, दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे जब वो मेरे दुनिया में आई तो बहुत सारा उम्मीद मैंने किया उससे, और यही लगा कि मेरा नाम मेरी बेटी रोशन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी ने कहा कि सपने सपने ही होते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, सपने अपने होते हैं, जब चाहें जैसे चाहें हम देख सकते हैं, क्योंकि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। पूरा करने में मेहनत लगता है, लेकिन करेंगे, कोई बात नहीं। दोस्तों, जब वो छोटी सी थी, मैंने उसके लिए बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारे। जैसे छोटी सी थी तो ये दिमाग में आता था कि थोड़ा बड़ी होगी तो इसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, और अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा एजुकेशन देना, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना, ये मेरा सपना रहा। और ऐसा नहीं मैं कहती कि सपना रहा और मैं उसे पूरा नहीं करूंगी, नहीं दोस्तों, आज भी मेरा सपना है, क्योंकि कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। क्योंकि पोत कपूत हो सकते हैं, माता कुमाता नहीं हो सकती। बच्चे नालायक हो सकते हैं पर माँ नहीं हो सकती। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा तकलीफ है कि मेरे बच्चों को मेरा दुख क्यों नहीं दिखता। बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, पर कहते हैं कि रंग बड़े होकर बच्चे दिखाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे अगर रंग दिखाए तो तकलीफ ज्यादा होती है। यह लगता है कि अभी ऐसे कर रहे हैं, आगे चल के क्या दिन दिखाएंगे।
उस बात का तकलीफ ज़्यादा होता है, क्योंकि उम्मीद बहुत बेकार होती है। और सपने पे अगर कोई खरा ना उतरे, सपना पूरा ना कर पाए, तकलीफ होती है। लेकिन मन में एक उम्मीद और एक आस और है दोस्तों, कि अभी बच्चे छोटे हैं, क्या पता बड़े होकर थोड़े समझे और सही रास्ते पर चले। तब तकलीफ होती है ना, जब तुम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करो और बच्चे तुम्हारे से ज्यादा किसी और के सगे हो, तब तकलीफ होती है। पेट की निवाला तुम अपने बच्चों को अपने खिलाओ और सगे वो किसी और के हैं, तब तकलीफ होती है जब वो अपने सपनों को मार के और बच्चों की सपने को पूरे करते हैं और बच्चे अपने नहीं किसी और के सगे होते हैं। तब तकलीफ होता है कि उम्मीद हम अपने बच्चों से करते हैं और वो उम्मीद पे किसी और के खरे उतरते हैं, तब तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन अभी वक्त है, क्या पता ऊपर वाला बदल दे मेरे किस्मत को, मेरे बच्चों को। और एक बात और कहूंगी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मेरे बच्चे ना अपने आप नहीं बिगड़े हैं, अपने आप नहीं बिगड़े हैं, बिगाड़ने में है किसी का हाथ, जानती हूँ, पर कहूंगी नहीं, क्योंकि भगवान ने, ऊपर वालों ने ना उन्हें भी औलाद दिया है, बेटा भी और बेटे भी। क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरा वक्त अभी सही नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को सही करना होगा। और मैं उन्हें बुलाऊं या ना बुलाऊं, उन्हें आना होगा। लेकिन दोस्तों यही कहना चाहती हूं कि किसी के लिए अगर एक हाथ उठाए हो ना, तो भगवान जब दो हाथ उठाता है ना, तो पूरी दुनिया को दिखाई देती है। मैं तो संभाल लूंगी अपने हालत को, मैं शांत हूं, ठीक है, जितना तुमसे करते बन रहा है तुम कर लो। और अगर वो मेरी वीडियो देख रही होंगी तो उन्हें भी पता है कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं, हम हारे नहीं हैं, हारना तो कभी सीखा ही नहीं। कहते हैं ना, तजुर्बा उम्र से नहीं, तजुर्बा कभी उम्र से नहीं आती है। एक्सपीरियंस कभी उम्र से नहीं आती है। जितना हम ठोकर खाएंगे ना, जितना हमें जीवन में धक्का मिलेगा ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्र मेरी इतनी नहीं है, लेकिन सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला, तजुर्बा मेरे पास बहुत पक्का है, इंतजार बहुत है, कर लूंगी मैं इंतजार, कोई बात नहीं। दोस्तों आप लोग मेरे फैमिली हैं, मेरे परिवार हैं, बहुत मन करता है कि आप लोगों के बीच में कुछ बातें हम लेकर आए। हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल देने वाला ऊपर वाला बैठा है। अच्छे स्कूल में चाहते थे, अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिए। अच्छा पिलाना खिलाना चाहते थे, पहनाना ओढ़ाना जानते थे, वो भी हम करवा रहे हैं। और जलने वाले ऐसे जलते रहे, क्योंकि कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल देने वाला ऊपर वाला बैठा है, सही रास्ते पर चल रहे हैं। मंजिल तक पहुंचाना भगवान का काम है।
मार्गदर्शन करने वाला ऊपर वाला है, क्योंकि हम इंसान से ज्यादा ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं दोस्तों, और करते रहेंगे, क्योंकि जब से होश संभाला है हमें उन्हीं का तो सहारा रहा है। बाकी तो आज के डेट में ना दौलत की भूख दुनिया को है। तुम्हारे पास पैसा है, रुतबा है, धन है, बल है, तो दुनिया है, वरना कोई नहीं है। कोई अपना नहीं होता, यहाँ तक कि संतान अपने नहीं होते तो दूसरों से क्या ही उम्मीद करें। जानते हो दोस्तों, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो थोड़ा हिम्मत से काम लीजिएगा, घबराइए मत, क्योंकि दुनिया में हम ही अकेले नहीं हैं कि ऐसे दिनों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जैसे पता नहीं कितनी बहनें हमारी होंगी जो परेशान हैं अपने लाइफ से, लेकिन हिम्मत रखिए, सब अच्छा होगा। और अपनी जिंदगी अच्छी हो या बुरी, पर मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं देता। और अपनी तकलीफ खास करके अपने रिश्तेदारों को तो बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए, और अपनों को तो बिल्कुल ही ना सुनाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दगा अपने ही दे जाते हैं। दूसरा कोई दगा देता है ना, तब नहीं चुभता, तब नहीं तकलीफ होता, लेकिन अगर अपना कोई दगा देता है, अपना कोई तकलीफ दे, अपना कोई धोखा दे, तो ज्यादा तकलीफ होती है, सीने में चुभता है, खास करके जिससे हम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। अगर वो तकलीफ दे ना, तो सारी उम्मीदें टूटने लगती है। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, अपना कर्म, और एक बात और कहेंगे, कभी कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो कभी आप मत सोचो कि इसके साथ हम भी गलत करेंगे, नहीं, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, वो सब अच्छा करेगा, जो फैसला लेगा अच्छा ही होगा, इतना ही कहना चाहूंगी मैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने जीवन का फैसला हम नहीं कर पाते, अपने जीवन को ऊपर वाले के हाथ में दे देना चाहिए, कि आप जो करोगे अच्छा करोगे, आप सही मार्गदर्शन करते रहना, आप मुझे रास्ता दिखाते रहना, आप जो करो सोच समझ कर करना, क्योंकि हम इतना अच्छे नहीं हैं कि जो करेंगे हम सोच समझ के कर पाएंगे, क्योंकि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम तो क्या ही कर पाएंगे। बस बहुत मन दुखी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, फिर किसी दिन हम वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों मन ऐसा ही रहता है तो ज्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं करता, लेकिन दोस्तों एक बात कहूँ, चाहे मेरे दो बेटी है, एक बेटा है, चाहे मेरा कोई भी बच्चा मेरा दिल दुखाए, पर मेरे दिल से कोई नहीं निकला है दोस्तों। अपने दिल से मैं किसी के लिए गलत नहीं सोच पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि जिसके लिए मेरे दिल में प्यार है वो रहेगा, कभी कम नहीं होगा, क्योंकि मैं माँ हूँ, अपने कर्म करती रहूंगी, बाकी जो बच्चों का मेरे फर्ज है कर्म है वो करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि समय रहते अगर सुधर जाए और समझे कि मेरी माँ को तकलीफ होता है तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं समझेंगे कोई बात नहीं, अपने कर्म हमको हम करते रहेंगे आजीवन, जब तक जीवन है मेरा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।